हेलो फ्रेंड्स, हाय, जय शेयर। आज मेरे पास एक अच्छी न्यूज़ है और एक बुरी न्यूज़ भी है। अच्छी न्यूज़ ये है कि लास्ट टाइम हमने एक वीडियो बनाया था, गोरेगांव मलाड साइड में कुछ प्रोसेसेस चल रही थी इलीगल तरीके से। इलीगल इन द सेंस, इस मोमेंट पे जब गवर्नमेंट ने बंद रखने के लिए कहा गया है प्राइवेट कंपनियों को, तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को बुला के ज़ोर ज़बरदस्ती से उन्हें बुला रहे थे, काम करवा रहे थे। इससे हज़ारों एम्प्लॉयज़ में वहाँ पर कोरोना फैलने का डर था। और आप समझ लीजिए, अगर 1,000 लोग मुंबई में अगर इन्फेक्ट होते हैं तो कितने बड़े पैमाने पर वहाँ पर फैलता। तो हमें पता चला, हमने इसके खिलाफ़ आवाज़ उठाई और उसे सोशल मीडिया पे और डिजिटल मीडिया पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला और प्रॉपर अथॉरिटीज तक इस चीज़ की खबर भी गई एंड उस प्रोसेस को बंद कर दिया गया। तो ये हमारे लिए एक सक्सेस है, बहुत बड़ा सक्सेस है। तो इसमें जिन जिन लोगों ने हेल्प की, उन सारे लोगों को धन्यवाद। आप सभी का सक्सेस है, तो सभी को थैंक यू। बुरी न्यूज़ ये है कि हमारे पास का ही एक शहर है बोईसर करके, तो वहाँ से मुझे कुछ कॉल्स एंड मैसेजेस आए एंड स्पेसिफिकली ये दारू के अड्डों के बारे में ज़्यादा थे। मतलब बहुत से जगहों पे दारू के अड्डे चल रहे हैं, ताड़ी ताड़ी के बारे में आपने सुना रहेगा, उसके अड्डे चल रहे हैं एंड वहाँ पे प्लास्टिक की थैलियों में बांध के उन्हें दिया जा रहा है। अड्डों को बाहर से बंद पर अंदर से चालू रखा जा रहा है एंड इसके वजह से वहाँ पे बहुत भीड़ हो रही है। स्पेसिफिकली 5 मार्क करके इलाका है वहाँ पे, कोई कुरगांव करके गांव है, एक जगह है, उसके बारे में स्पेसिफिकली कंप्लेंट आई थी कि आप इसके बारे में कुछ कहिए। 5 मार्क इलाका, उसके बाजू में कुरगांव। तो देखिए, मैं जो वहाँ की अथॉरिटीज़ है, पुलिस प्रशासन, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि देखिए उस इलाके में कि काफ़ी पैमाने पर वहाँ पर लोग जमा हो रहे हैं, जब वहाँ पर कोई भी पुलिस अधिकारी वगैरह नहीं होता है उस वक्त, एंड ऐसे बहुत से ऐसे अड्डे चल रहे हैं। तो प्लीज़ इसे रोकिए क्योंकि बीमारी फैलने का डर है। उसी के साथ साथ आज कुछ और कंपनियों के बारे में आया, मतलब उन्होंने लोगों ने मैसेज पे न्यूज़ दी है, किसी ने कॉल किया था, बट स्पेसिफिकली अब तक कोई प्रॉपर फुटेजेस वगैरह नहीं भेज पाए, तो इसलिए मैं किसी का नाम नहीं ले सकता फिलहाल, क्योंकि जब तक मैं कन्फर्म ना हूँ तब तक मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। फिर भी जो नाम आए उनकी तरफ से, बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं, ये जो बोईसर इलाका है यहाँ पर कहा जाता है लगभग 2000 के आसपास ऐसी कंपनियां हैं जो चल रही हैं, और यहाँ पर यूपी से, बिहार से, उड़ीसा से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से बहुत बड़े पैमाने पर काम करने के लिए लोग आते हैं एंड मज़दूर भी है बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स के अंडर काम करने वाले वर्कर्स भी हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स भी हैं जो यहाँ पर ही रहते हैं, किसी कॉन्ट्रैक्टर के अंडर काम कर रहे हैं या फिर डायरेक्टली कंपनियों के थ्रू काम कर रहे हैं। तो ये भी पता चला है कि बहुत से ऐसी कंपनियां हैं जो इन वर्कर्स को, जो अपने गांव वापस नहीं भागे हैं, लकीली आई होप नहीं भागे तो अच्छा है, जो अपने गांव नहीं भागे हैं, इनको ज़ोर ज़बरदस्ती काम करने के लिए कंपनियों में बुला रहे हैं, डरा धमका के इन्हें बुलाया जा रहा है। वह है कॉन्ट्रैक्टर्स या फिर कंपनियाँ डायरेक्टली इन्हें धमका रही कि आप काम करने आइए। अब आप समझिए, बहुत से ऐसी कंपनियों के बारे में कहा जा रहा है, बहुत से ऐसी कंपनियों का नाम आ रहा है, बहुत से ऐसे केमिकल प्लांट्स हैं जो अभी भी चल रहे हैं, बहुत से ऐसे कॉटन से जुड़ी हुई चीज़ें बनाने वाली कंपनियां अभी भी चल रही है, बहुत से ऐसे बड़े बड़े स्टील प्लांट्स हैं जो भी चल रहे हैं। तो मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, उन वर्कर्स की जान खतरे में मत डालिए, क्योंकि उन वर्कर्स की जान आप खतरे में डालेंगे अगर ये कोरोना उनमें फैलेगा, तो आप सोचिए कि कितने बड़े पैमाने पर पूरे बोईसर इलाके में फैलेगा। बोईसर इलाका छोटा नहीं है, इन एक व्यक्ति से, याद रखिए, एक व्यक्ति से अगर ये 10,000 लोगों में फैल सकता है, तो आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा रिस्क आप उठा रहे, आप अपने शहर को खतरे में डाल रहे हैं। मैं इन कंपनियों के ओनर से कहना चाहूँगा, आप अपने शहर को खतरे में डाल रहे हैं, आप पूरे देश को खतरे में डाल रहे हैं। मैं उधर के पुलिस प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, उधर की जो अथॉरिटीज़ है, लोकल अथॉरिटीज़, लोकल पॉलिटिशियन, उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि जिन लोगों ने कंप्लेंट्स की है उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत से बड़े लोग हैं जिन्हें इन सारी चीज़ों के बारे में पता है कि ये कंपनियाँ अभी भी चल रही हैं, पुलिस प्रशासन को इसका पता है, ऐसा कहा गया है एंड कुछ लोकल पॉलिटिशियंस के बारे में भी ऐसा कहा गया। तो ऐसी बहुत सी अफवाहें उड़ रही हैं, यू नेवर नो कि इसके अंदर कौन इन्वॉल्व है कौन इन्वॉल्व नहीं है। क्योंकि मैं तो यही कहूँगा कि अगर गवर्नमेंट ने कहा है कि आप अपने प्लांट्स, आपकी प्रोसेसेस शट डाउन कीजिए, नेसेसिटी गुड्स के सिवा और कुछ भी मत बनाइए, तो आप ये सारे प्रोसेसेस प्लीज़ रोक दें। एंड लोगों से भी विनती करूँगा कि आप जितना हो सके लोगों को जागरूक करें, ऐसे जगहों पर अगर कोई काम करने जा रहा है डर के मारे तो उसे रोकिए, उन्हें पुलिस के पास लेकर जाइए। एंड ये जो न्यूज़ है, ये जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, ये वैसे भी मैंने प्रॉपर अथॉरिटीज से तो ऑलरेडी पहुँचा दी है, इसके ऊपर एक्शन ले ही लिया जाएगा,
बट फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी लोग समझिए, ये वो वक्त नहीं है कि जब हम लोग पैसे के पीछे भागें, ये वो वक्त है जब हम लोग सभी लोग साथ में मिलकर एकनिष्ठ हो के साथ में मिलकर इस बीमारी को बढ़ने से रोकें। पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, लोग बचेंगे तो देश बचेगा, लोग बचेंगे तो आप पैसे कमा पाएंगे। सो प्लीज़ इस चीज़ को समझिए एंड प्लीज़ ये सारी चीज़ें रोक दीजिए, मैं रिक्वेस्ट करूँगा फिर से। एंड बोईसर के जो भी लोग हैं जिन्होंने कंप्लेंट्स दी थी, मैं उनको भी धन्यवाद कहना चाहूँगा। एंड देखिए, आपके पास अगर ऐसे कोई बहुत से वीडियोस वगैरह आते हैं जहाँ पर एक्चुअली ऐसे प्रोसेस इलीगल तरीके से अभी भी चल रही है, तो आप मुझ तक ये वीडियोस पहुँचाइए, या फिर ये वीडियोस आप दूसरे अथॉरिटीज तक भी पहुँचा सकते हैं, बट आप मुझ तक पहुँचा दीजिए तो मैं सोशल मीडिया पर लेकर आ जाऊँगा इन सारी चीज़ों को। किसी का नाम वगैरह से डरने की ज़रूरत नहीं है, जो गलत है वो गलत है एंड उसके खिलाफ हम सब लोग मिलकर आवाज़ उठाएंगे। सो प्लीज़ बी स्ट्रॉन्ग, स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।